नमस्कार, आप सबको एस्ट्रो लर्नर चैनल में राशिफल में स्वागत करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आज का राशिफल। मेष राशि, कार्य क्षेत्र में बेहतर करियर का ग्रोथ होगा, ऑफिस से अच्छा माहौल होगा, सुकून होगा, व्यापार में नई ऊर्जा के साथ शुरुआत हो सकती है, यात्रा हो सकती है, भविष्य की परेशानी धीरे धीरे खत्म होगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, संतान खर्च अधिक कर सकता है, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और लाभ होगा, घर में अच्छा माहौल होगा, सुख शांति रहेगी, जीवन साथी से अच्छा रिलेशन की शुरुआत होगा। उपाय की तौर पर बातें की जाए तो मंगल देव का मंत्रों का जाप करें, ओम भूमि पुत्राय नमः का जाप करना अच्छा रहेगा, इससे आप में सुख में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा और मिस्टीरियस नॉलेज की प्राप्ति होगी। आप चर्चा करते हैं वृष राशि। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी का सहयोग होगा और परिश्रम अधिक करनी होगी, व्यापार में परेशानी भरी यात्रा हो सकती है, स्वास्थ्य न्यूनतम रहेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, बड़ा भाई से सुख और वाद विवाद हो सकता है, जीवन साथी से कड़वी ना बोलें। उपाय की तौर पर बातें की जाए तो शनि देव का मंत्रों का जाप करना अच्छा रहेगा, ओम शम शनिचराय नमः, इससे होगा क्या कि मंत्र से पिता और बॉस का सहयोग मिलेगा, सुख में वृद्धि होगी। लकी कलर है आपका व्हाइट। दूसरी बात का मिथुन राशि, कार्य क्षेत्र में बॉस ऑफिस में तारीफ कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र में यात्रा हो सकती है, व्यापार से लाभ होगा, आकस्मिक धन अर्जित करेंगे, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, पिता का स्वास्थ्य न्यूनतम रहेगा, संतान के लिए धीरे धीरे परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं, जीवन साथी के साथ बाहर घूमने जाए। उपाय के तौर पर बातें की जाए तो शनि देव का मंत्रों का जाप करना अच्छा रहेगा, इससे होगा क्या कि आपका भाग्य प्रबल होगा, आपको आकस्मिक धन मिलने की आशंका है और आपका शुभ रंग हरा है। अब चर्चा करते हैं कर्क राशि। कार्य क्षेत्र में मिला जुला समय है, बॉस आज के दिन आराम करने का सलाह दे सकते हैं क्योंकि आपका स्वास्थ्य न्यूनतम रहेगा, व्यापार में पिता तन मन से सहयोग करेंगे, पिता से धन आ सकता है, स्वास्थ्य सामान्य होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, संतान का स्वास्थ्य न्यूनतम होगा, वैवाहिक जीवन सुखद होगा। उपाय की बातें की जाए तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करना श्रेष्ठ रहेगा, विरोधियों से जीत होगी, पिता से लाभ होगा, भाग्य प्रबल होगा, आपका शुभ रंग व्हाइट है या क्रीम कलर है। अब चर्चा करते हैं सिंह राशि। कार्य क्षेत्र में अपनी स्किल की वजह से लाभ होगा, ऑनलाइन कार्य में अच्छी से धन में जो आ रही थी रुकावट वो खत्म होगी, व्यापार में वाद विवाद होने की आशंका है, व्यापार में क्रय विक्रय अच्छा होगा, व्यापार में पैसा निवेश करने से बचिएगा, स्वस्थ रहने के लिए फिटनेस पर ध्यान देना होगा, रिग्रेस एक्सरसाइज करें, माता पिता के लिए न्यूनतम समय है, विरोधियों से जीत होगी, जीवन साथी से तालमेल बनाने का कोशिश करें। उपाय की बातें की जाए तो मंगल देव का मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम अंगारकाय नमः, ओम श्री हनुमंते नमः का जाप करना अच्छा रहेगा, भाग्य प्रबल होगा, माता पिता से सुख होगा, वैवाहिक जीवन सुखद होगा। अब चर्चा करते हैं कन्या राशि। कार्य क्षेत्र में अधिक स्ट्रगल करने के बाद सफलता मिलेगी, व्यापार में यात्रा हो सकती है, व्यापार का न्यूनतम लाभ होगा, स्वास्थ्य सामान्य होगी, आर्थिक स्थिति न्यूनतम रहेगी, संतान को सफलता मिलेगी, जीवन साथी और माता धार्मिक आयोजन में यात्रा कर सकती हैं। उपाय के तौर पर बातें की जाए तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः के जाप करना शुभ रहेगा, भाग्य प्रबल होगा, सुख में वृद्धि होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। उपाय की शुभ रंग आपका हरा है। अब चर्चा करते हैं तुला राशि। कार्य क्षेत्र के प्रयासरत सफलता मिलेगी, आज के दिन आपको पिता से लाभ होगा, व्यापार और कार्य क्षेत्र में प्रतिभा, अपने स्किल से संघर्ष करने के बाद सफलता मिलेगी, स्वस्थ रहने के लिए रिग्रेस एक्सरसाइज करें, आर्थिक स्थिति न्यूनतम रहेगी, संतान से लाभ होगा, मित्र आपकी तारीफ कर सकते हैं, जीवन साथी आपके कार्य क्षेत्र में आपकी अच्छी सीख दे सकती हैं। उपाय की तौर पर बातें की जाए तो ओम ब्रह्म बुद्धाय नमः का जाप करें, शुभ रंग क्रीम कलर है, अब घी कलर है। अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि। कार्य क्षेत्र में प्रतिभा अपनी स्किल से लाभ कमाएंगे, व्यापार में धन अर्जित करेंगे, लेकिन व्यापार में यात्रा हो सकती है और स्वास्थ्य का मिला जुला समय है, परिवार संतान की तरक्की होगी, अपनी स्किल बढ़ेगी और कार्य क्षेत्र बेहतर होगा,
जीवन साथी के साथ अच्छे रिलेशन होंगे। उपाय की तरफ बातें की जाए तो शनि देव का मंत्रों का जाप करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुक्र में वृद्धि होगी, ऑनलाइन काम बेहतर होगा, कार्यक्षेत्र का अच्छा होगा। शुभ रंग आपका लाल कलर है। अब चर्चा करते हैं धनुराशि। कार्यक्षेत्र व्यापार में लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य न्यूनतम रहेगा। व्यापार में आज का दिन निवेश करने से बचिएगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, यात्रा भी हो सकती है, संतान को परेशानी हो सकता है। जीवन साथी को एक साथ बाहर घूमने जा सकती हैं। उपाय की बातें की जाए तो ओम ब्रह्म बृहस्पति देव का मंत्रों का जाप करें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इससे होगा क्या कि बुध विरोधियों से जीत होगी, सुख में वृद्धि होगी और भाग प्रबल होगा। अब चर्चा करते हैं मकर राशि। कार्यक्षेत्र में अधिक परिश्रम करने के बावजूद परिणाम बेहतर नहीं मिलेंगे। व्यापार में अधिक परिश्रम करें तो उससे भाग प्रबल होगा, स्वास्थ्य सामान्य होगी, संतान का स्वास्थ्य न्यूनतम रहेगा। जीवन साथी छोटा सा बात कर सकती हैं। जीवन साथी अपने भाई के से अच्छा रिलेशन होगा। उपाय की बातें की जाए तो बुध देव का मंत्रों का जाप करना अच्छा रहेगा। विरोधियों से जीत होगी, भाग प्रबल होगा, पिता से लाभ होगा। अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि। कार्यक्षेत्र में काम से घर से दूर जा सकते हैं, व्यापार की शुरुआत हो सकती है, धीरे धीरे व्यापार बढ़ेगी, स्वास्थ्य सामान्य होगी, वीकनेस रहेगी, संतान का स्वास्थ्य न्यूनतम रहेगा पर उसका कार्यक्षेत्र अच्छा होगा। जीवन साथी धार्मिक आयोजन में भाग ले सकती हैं। उपाय की तौर पर बातें की जाए तो बुध देव का मंत्रों का जाप करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र बेहतर होगी, सुख में वृद्धि होगी। शुभ रंग आपका काला है। अब चर्चा करते हैं मीन राशि। कार्यक्षेत्र में ऑनलाइन कार्य करने का अच्छा समय है। व्यापार में थोड़ा स्ट्रगल करना होगा लेकिन व्यापार में भी आप लाभ कमाएंगे, स्वास्थ्य समान रहेगी, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, जीवन साथी से अच्छा रिलेशन धीरे धीरे होगा। उपाय की तौर पर की जाए तो बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बृहस्पति देव स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मिस्टीरियस नॉलेज की प्राप्ति होगी और ऑनलाइन कार्य सुधरेगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके।